थाना राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के कर्मचारियों द्वारा आज ऐतिहासिक शिमला रेलवे स्टेशन के आसपास एक सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए थाना राजकीय रेलवे पुलिस शिमला के थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि अक्सर यहां आने वाले लोग रेलवे स्टेशन के आसपास कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण यहां पर काफी कूड़ा एकत्रित हो गया था। उन्होंने बताया कि आजकल पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है और इसके दृष्टिगत हमने भी यहां पर सफाई अभियान चलाया है, ताकि रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कायम रह सके और आगे आने वाले गर्मियों के दिनों में आग लगने का खतरा भी पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि यहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और हमारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भी निवेदन रहेगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास कूड़ा कचरा ना फेंके। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखने में सभी लोग अपना पूरा सहयोग करें। मैं SI राम सिंह, SHO GRP शिमला। ये एक्चुअली यहाँ पे जो कार्ट रोड के साथ जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता बना है, वहाँ पे अक्सर लोग आते जाते बार जो वेस्ट कागज होते हैं उनको नीचे फेंक देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ढेर पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि गर्मी के दिन आने वाले हैं तो कहीं आग ना लग जाए, तो इसलिए हम इसकी सफाई कर रहे हैं। ये जैसे पूरे देश में स्वच्छ अभियान चला हुआ है, तो वैसे ही हमारे इस रेलवे स्टेशन में देश विदेश से पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो हमारी सभी से यही अपील रहेगी कि यहाँ जरा थोड़ा आती जाती बार जो है कूड़ा करकट ना फेंकें और सफाई की ओर विशेष ध्यान रखें। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।